गुर्जर छात्रावास में गुर्जर महासभा की ओर से दिल्ली में हुई हरियाणा के गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ में सभी गैंगस्टरों को मौत के घाट उतारने वाले जांबाज गिरधर गुर्जर को आज अलवर के गुर्जर छात्रावास की तरफ से स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बांसुर विधायक शकुंतला रावत और विशिष्ट अतिथि के रूप में देवी सिंह गुर्जर, पूर्व एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेंद्र कसाना, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा व कई समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक रावत ने कहा कि ऐसे जवानों की हमारे अलवर को ही नहीं पूरे देश को आवश्यकता है। हमें फक्र है कि ऐसे जांबाज हमारे अलवर में पैदा हुए। जैसा कि मुझे जानकारी में आया कि पता लगा कि भाई गिरधर ने और सुरेश चौधरी जी ने, तो सुरेश चौधरी जी के नेतृत्व में गिरधर जी ने जो एक कोई गैंग के साथ में अपने पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज निभाते हुए, अपने कर्तव्य की पालना करते हुए और अपने फर्ज को निभाते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और किस तरीके से इन्होंने मुठभेड़ वहां पर दिखाई। जैसा कि मुझे जानकारी में मिला कि कोई गैंगस्टर थे, जो कोई भी थे एक्स वाई, अगर समाज के विरोध में अगर किसी को बचाने के लिए कोई लड़ता है तो वो देश के लिए ही लड़ता है और अपने डिपार्टमेंट, अपने पुलिस विभाग का भी इन्होंने नाम रोशन किया है और सभी के लिए सम्मान और गौरव की बात है, जनता के लिए भी गौरव की बात है कि जनता की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने आप की जान जोखिम में डाल करके, जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि इनके हाथ में भी चोटें आई हुई हैं, तो आमने सामने मुठभेड़ में किस तरीके से बहुत सारे पुलिस वालों ने किया, तो वो सभी पूरा पुलिस का दल और इनके नेतृत्व करने वाले जो भी सब इंस्पेक्टर एसपी और जो भी इसमें भागीदार थे, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि अगर इस तरीके से सभी अपने कर्तव्य की पालना करें और अपने फर्ज को निभाएं तो शायद इस तरीके के तत्व, असामाजिक तत्वों से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी पुलिस के जवानों को आप क्या प्रेरणा देना चाहूँगी? मैं उन्हें प्रेरणा देना चाहूँगी कि आपको हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति, सच्चाई के प्रति लगन से काम करना चाहिए, जिससे कि जनता की नज़रों में सम्मान बढ़े और हम जैसे और सभी जनता उनका सम्मान करें। गिरधर के साथ दिल्ली से स्पेशल सेल के थानेदार सुरेश चौधरी भी मौजूद रहे, जिनकी एनकाउंटर में अहम भूमिका थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली के मोस्ट वांटेड राजेश भारती गैंग के बीच मुठभेड़ छतरपुर इलाके में हुई थी। मुठभेड़ में राजेश भारती समेत गैंग के 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी और 6 पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ था राजेश भारती और राजेश पर था 1,00,000 रुपए का इनाम। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए छतरपुर की तरफ निकले हैं और राजेश भारती वहां आने वाला है। राजेश पर दिल्ली समेत कई राज्यों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के समय गिरधर गुर्जर को भी 4 गोलियां लगी थी। हमारा अजीज दोस्त रहा कॉलेज टाइम से, जाबाज सिपाही बन करके जो हिंदुस्तान में जाबाजी का जो कारनामा किया है, आप लोगों को पता होगा कि राजेश भारती नाम का गैंगस्टर जिस पे 5.5 लाख इनाम थी, जिसका एक कहना कहता था कि जब भी मैं सरेंडर नहीं करूंगा और पहली गोली मेरी चलेगी, उस बात का हमारे जाबाज सिपाही को पता होने के बाद जब उसका सामना किया और घायल होने के बाद भी उसका नाम और निशान मिटा दिया, ऐसे बहादुर सिपाही का अभिनंदन करने में हमें गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज पूरे अलवर जिले का प्रतिष्ठित गण और विधायक शकुंतला जी रावत जी की मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। हमें हर्ष व्यक्त हो रहा है, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे समाज के साथ साथ इस देश का बहादुर सिपाही को इस तरह के जो उसने कारनामे किए, उसके लिए हम सब निश्चित रूप से हर्ष का विषय है और इसी उपलक्ष्य में आज हम सब सम्मान के लिए हैं, उपस्थित हुए हैं।